एक बेकाबू थार ने तीन बाइक सवारां नूं कुचल के रख दिता है, जिस दे विच तिन्हां ही बाइक सवारां दी मौत हो गई है, जिस दे विच मां बेटा अते भतीजी शामिल ने। दस दिए कि इन्हां दे घर दे विच व्याह समागम सी अते व्याह दीआं तैयारियां इन्हां दे घर दे विच चल रही सी, पर जदों कहा जा रहा है कि मां बेटा अते भतीजी किते जा रही सी तां अचानक ही बेटे नूं बाथरूम आउंदा है, जिस तों बाद ओह अपना बाइक सड़क दे किनारे खड़ा करके जिवें ही बाथरूम करके बाइक चक्कन लगता है तो सामने तो आ रही एक बेकाबू थार ने इन्हों टक्कर मार दी। टक्कर इन्नी जबरदस्त सी कि इन्हों कुचल के रख दिता, जिस तो बाद तिना की मौके के उत्ते जान चली गई है। हालांकि जो बेटा है उसकी उम्र 17 साल दसी जा रही है, माँ की उम्र 35 साल दसी जा रही, जबकि एक 4 साल की मासूम भतीजी भी जो है वह इस हादसे के उसकी भी मौत हो गई है। तो दस दिए कि मेवात दे विच यह भयानक सड़क हादसा वापर है, जिथे कि मुंडे दे चाचे दा अज व्याह रखिया होया सी, ते हुण यह व्याह दीआं खुशियां भी मातम दे विच तब्दील हो गई ने। दस दिए कि परिवार दे विचों ही तीन लोगों की जान चली गई है, भयानक सड़क हादसा वापर है। हालांकि जो थार गड्डी का चालक सी वह मौके तो फरार दसिया जा रहा है। दूजे पासे पूरे पिंड दे विच माहौल जो है काफ़ी ज़्यादा गमगीन हो चुका है, क्योंकि विआह दीआं खुशियां मातम च तब्दील होईआं ने। एक 17 साल दे मुंडे दी जान चली गई है सड़क हादसे दे विच, ते इस दे नाल एक 4 साल दी मासूम जो उसकी भतीजी दसी जा रही है उसकी भी मौत हुई है, ते नाल ही मुंडे दी माँ दी भी दर्दनाक जान चली गई है। तो दस दिए कि मेवात दे विच इह हादसा वापरिआ जिथे कि घर दे विच अज मुंडे दे चाचे दा विआह होना सी, पर उस तों पहला घर दे विच तीन लोगों की मौत हो गई, जिस तों बाद हुण पूरे परिवार का रो रो के बुरा हाल है, ते पुलिस प्रशासन के कोल इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। ये गांव लहरवाड़ी से अलीजान का लड़का, अलीजान की घरवाली, वे अलीजान के पास आई हुई एक लड़की थी, वो गांव लहरवाड़ी से चले थे। जैसे ही वे जुरहड़ा रोड पर आए, वहां जो गाड़ी ड्राइवर मोटरसाइकिल ड्राइवर था वो पेशाब करने लग गया। जैसे ही वो पेशाब कर रहे थे तो ये तीनों मृतक मोटरसाइकिल के पास खड़े हुए थे। जुरेड़ा साइड से बहुत तेज रफ्तार से एक थार गाड़ी आई, जो बहुत ही गफलत से लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, उसमें 4-5 आदमी बैठे हुए थे और मुझे लगता है कि उन्होंने शराब पी रखी थी। उन्होंने बहुत तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल में वो तीनों मृतकों में टक्कर मारी और टक्कर मार के मौके से वहां से फरार हो गया। ये एक ही परिवार के बच्चे हैं जो मरे हैं और बहुत गांव में गम का माहौल बना हुआ है। मेरी प्रशासन से अपील है कि वो सख्त से सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई करें, और इन लोगों ने जानबूझकर इन लोगों को मारा है, क्योंकि ये बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गांव में बहुत बड़ा मातम छाया हुआ है और वो लोग मौके से फरार हो गए। उन्होंने जरा भी सहानुभूति नहीं दिखाई मृतक के पक्ष में। इन लोगों के खिलाफ बार बार मैं यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और इन लोगों को मैं तो सरकार से भी डिमांड करूंगा कि सरकार इनके जो मृतक हैं इनके परिवार को मुआवजा दे, उनकी मदद करें। कल मृतकों के घर में शादी थी, मृतक के चाचा की बारात जानी थी कोटगांव में, सारे रिश्तेदार आए हुए थे, जो खुशी का माहौल था वो गम में बदल गया, तो बहुत बड़ा दुख है। सारे गांव गम में है पूरा, और मैं तो यही दरखास्त करूंगा सरकार भी मदद करे और प्रशासन भी इनकी मदद करे। सर, ये सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हुई, सर क्या मामला है, किस तरह का मामला है सर, कैसे हादसा हुआ? ये ऐसे ऐसे एक्सीडेंट के बारे में हमें सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद तुरंत हम मौके पर पहुंचे। एक थार गाड़ी जो उधर से आ रही थी जुरहड़ा की साइड से, एक बाइक इधर से जो लोकेशन नजर आई हमको, उसका एक्सीडेंट हुआ। तीन, एक बच्ची थी इसमें, एक महिला थी और एक नौजवान था, तीनों एट द स्पॉट एक्सपायर हो गए। कार्रवाई की जाकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मालीगढ़ा भेजा जाए। तो सर कब तक पोस्टमार्टम हो जाएगा सर? अब जो ही कागज तैयार होंगे तो डॉक्टर को डिपेंड है पोस्टमार्टम के लिए कितना टाइम देते हैं। मरने वाले जो तीनों थे वो लहरवाड़ी के थे, तीनों एक ही परिवार के थे।
लग रही है और क्या माहौल? मेरा नाम जान मोहम्मद है जी, मेरे परिवार से है, मेरे भतीज बहू है, मेरा भतीज पोता है एक इसमें और एक भतीजी है जिनकी मौत वहां पर हुई है तीनों मृतकों की। हमारे घर पर शादी का प्रोग्राम चल रहा था जी, उस टाइम हम सारे शादी की खुशी में थे, लेकिन वो मृतक की बात सुनते ही हमारी भावना सब हम बदल गई, गम में बदल गई। तो फिर अब क्या चाहते हैं? हम ऊपर सरकार से चाहते हैं कि हमारे लिए इसका न्याय मिला और हमारे गरीब बच्चों के लिए सहायता दी है। हर गाड़ी वाले खिलाफ मुकदमा दर्ज।